नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका मातृ। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था, इसी कारण हर साल इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ साथ रावण के पुतले जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य के विजय के रूप में मनाते हैं। आज जानते हैं दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे तो दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसमें हम आपको तीन मुख्य कथाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है महिषासुर का वध। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण अश्विन मास की दशमी तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में से मनाते हैं। दूसरी पौराणिक कथा आती है भगवान राम द्वारा रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण कहानी आती है पांडवों की जीत के ऊपर। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुआ था और उसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले गए थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की गई थी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।